टाइम वाले फिर हाल चाल आप सभी का बहुत ही बढ़िया, होपफुली आप सब बेच होंगे। सो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज अभी का सीन ऐसा है कि मुझे कुछ बुक्स वगैरह गोलू के नोट्स है जो कि गोलू मंगवा रहा था। तो एक भैया जा रहे हैं मेरे मनीष भैया, तो उनको स्टेशन देके आना है वो नोट्स, तो वो लेके जाएंगे गाँव ताकि गोलू तक पहुँच सके। अभी चलते हैं, मैं और सुमित जा रहा हूँ। सुमित पीछे पकड़ के बैठ जाएगा। 6-7 कॉपी है, 6-7 नहीं होते, 10-15 कॉपी है। तो फिर चलते हैं, बाइक निकालते हैं अपनी, चलते हैं। सुमित भी आ रहा है, वो सुमित भी आ चुका है। ये है, इसमें पैक कर दिया क्योंकि यार किताबें भारी होती हैं, तो बैग वगैरह कोई फ़ायदा नहीं। तो ये हमें देख आना पड़ेगा, बाद में चला लिया जब 18 का हो जाए। लाइसेंस बन गया? कहाँ है दिखा? हाँ दिखा ना, फ़ोन में दिखा। डिजी लॉकर डाउनलोड नहीं कर दूंगा, अभी एक ही थप्पड़ में डाउनलोड। तो गाइस सुमित ने देखो कौन सा हेलमेट पहना है, रॉयल इनफील्ड का, जिसमें कांच भी नहीं है, अंडे की तरह लग रहा है। अरे सामान लेके जा रहे। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:10, हमें 12:30 तक पहुंचना है, तो चलते हैं जल्दी से। बैग पकड़ाने में हालत ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है ना यार हमारे साइड की गाड़ियों में, बिहार साइड की, इतनी ज़्यादा भीड़ में बैग पकड़ा के गेट पे इतनी भीड़ थी, जैसे तैसे अंदर गया, अंदर भी नहीं जा पाया। मीन्स बाहर से ही, मतलब वो जो विंडो होती है ना जो ओपन होती है, वहीं से बैग डाल दिया और बोल दिया भाई 8 नंबर पर दे दो, क्योंकि अंदर जा ही नहीं पाया। ट्रेन भी स्टार्ट हो गई थी, हालत ख़राब हो गई। तो पार्किंग आ गए, हम बाइक लेते हैं, चलते हैं जल्दी। उसको मैंने यहीं छोड़ा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। बाइक तो यही है, हेलमेट भी यहीं छोड़ रखा है इतनी लाइट में, कहाँ गायब बोला था। भाई छुप के इतना बड़ा तीर मार लिया, हालत ख़राब हो गई भाई। लास्ट में बैग हाथ में दे भी नहीं पाया, जो विंडो नहीं होता उसमें धक्का मार दिया और 8 नंबर पे दे देना, इतनी भीड़ है। भाई सब निकलते हैं यहाँ से घर सीधा। घर और मम्मी के लेके आया हूँ, समय तो वहीं से चला गया घर, चाचा की कॉल आई थी। सुबह वहाँ से आने के बाद नहा के सो गया था मैं, अब उठाऊँ 6 बजे और अब करने बैठा हूँ असाइनमेंट, क्योंकि असाइनमेंट भी जरूरी है, कॉलेज का काम लास्ट ईयर है, तो असाइनमेंट वगैरह सही सबमिट करके ग्रेजुएट हो जाते हैं। ब्लॉगिंग अलग है, अपनी पढ़ाई भी अलग है। तो असाइनमेंट स्टार्ट किया मैंने, बहुत असाइनमेंट करने हैं, तो असाइनमेंट का काम फिनिश करते हैं, उसके बाद थोड़ा खाना पीना खाएंगे, उसके बाद देखते हैं। बाहर इतनी तेज आंधी आ रही है, मैं छत पे गया था, बहुत तेज भयंकर आंधी आ रही है। बस इतना टाइम बाद लिख रहा हूँ तब भी राइटिंग ज़्यादा ख़राब हुई नहीं है, सही है। असाइनमेंट पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने, एक पूरा देख लो कितने पेज, 30 पेज लिखे मैंने, 30 पेज। प्यारी राइटिंग है। हाँ थोड़ा खाना पीना खाते हैं। तो मेरी तो असाइनमेंट करके हालत ख़राब हो गई, हाथों में दर्द अलग हो रहा है और टाइम भी ज़्यादा नहीं है, परसों सबमिशन डेट है, लास्ट डेट। तो मैं सोच रहा हूँ असाइनमेंट तो अभी काफ़ी बाकी है, तो सुमित को बुला के लाता हूँ, अपने चाचा के बेटे को, और उसको भी साथ में बिठा के करवाता हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो, उसका भी 10th के पेपर ख़त्म हुए तो छुट्टी पे ही है वो। तो चलते सुमित को लेके आते हैं, 2 घंटे लगने हैं, एक असाइनमेंट उसके उससे भी हो जाएगा, एक असाइनमेंट भी कर लूँ, चलते पहले उसको लेके आते हैं। तो भाई इंस्टेंट प्लान बन चुका है, सुमित भी आ चुका है, और मैंने विक्की को बोला कि विक्की भाई एक असाइनमेंट कर दे, वो कह रहा भाई तुम दोनों आ जाओ वहाँ पे, साथ मिलकर करेंगे, स्कूल की टाइम की यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। मैं सोच रहा हूँ जल्दी से निकलो, अभी टाइम हो गया 10:30, तो निकलते जल्दी 4 बजे वगैरह से, चार बजे नाइट आउट भी हो जाएगा और वहाँ पर जाके काम करेंगे, बातें वगैरह की कोशिश करेंगे ना करें, और वहाँ जाएंगे 3 असाइनमेंट तो हो ही जाएंगे, चलते पापा को बोल दें। बट मात्र 15 मिनट में हम पहुँच चुके हैं, 15 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में हम पहुँचे, बच्चे का बाइक कर दिया बाहर, चलते हैं ऊपर देखते हैं बच्ची जाकर, बच्ची वैसे बताया नहीं है हमारे। वॉइस पहले टोनी भौंकने लगा, सरप्राइज
पहले इसका टीवी बंद करो। टीवी हो गया है बंद और लग जाओ काम पे जल्दी। बैठ बैठ जल्दी कर कर क्या काम सो गाइस रात के बज चुके हैं 1:30 और अब जाके असाइनमेंट कंप्लीट हुआ है पूरा काम। और इन लोगों ने बोला कि आइसक्रीम मंगाने के लिए, सो इनकी आइसक्रीम ट्रीट हो गई, इसलिए गया नीचे ऑर्डर लेने के लिए। स्विगी से मंगा लिया आइसक्रीम के लिए। कहा यह है तुम्हारी ट्रीट, काम करने का फल ये है। टोनी को नहीं दिया नहीं। क्यों खाने के बाद पहले